पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। चाहे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाना हो, केबल स्टे ब्रिज हो या फिर सुरंग में पटरी बिछाने की चुनौती, हर आयाम पर रेलवे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय रेलवे के 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मोदी जी के विजन और शानदार इंजीनियरिंग की मिसाल पेश कर रही है। चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा ये पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और 359 मीटर ऊंचा है। ब्लास्ट प्रूफ मेटल से बना, बादलों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच शान से खड़े इस पुल का 8 रिएक्टर की तीव्रता वाला भूकंप भी बाल बांका नहीं कर सकता है। रामेश्वर में बन रहा है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जो ट्रेन और जहाज दोनों को देगा रास्ता और इसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। ये ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट स्पैन तकनीक से जहाजों को पार जाने के लिए ऊपर होकर रास्ता देगा और फिर नीचे आकर वापस रेलवे ट्रैक बन जाएगा। देश का पहला केबल रेल ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 725 मीटर है और केबल से जुड़ा हिस्सा 473.25 मीटर का है। 96 केबल की सपोर्ट वाला ये ब्रिज किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है और इस पुल के निर्माण के बाद कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। मणिपुर में बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पियर पुल, कुतुब मीनार से लगभग 2 गुनी ऊंचाई वाला ये पुल 141 मीटर का होगा। इस पुल के निर्माण से असम से इम्फाल की यात्रा का समय 10 से 12 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। ८६% सुरंग के हिस्से वाली ये परियोजना रेलवे के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। 14 सुरंगे, 23 पुल और 5 स्टेशन इसकी विशेषता है। रेलवे के ये अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि मोदी सरकार कितनी तत्परता के साथ रेलवे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।